हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजनाथ राय फ्रॉम PTJM सरस्वती विद्या मंदिर राजगीर। वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन माय सेकंड वीडियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर क्लास 10th। इन प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड सम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन वीडियो। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग माई एक्सरसाइज 8.1, जस्ट आई वॉन्ट टू रिवाइज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन योर माइंड। सो स्टूडेंट, प्लीज वॉच केयरफुली। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। उस 6 रेशियोज का एक मैं आप लोगों को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आप उसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये तरीका हम लोग खुद बनाए हैं, कोई ऑथेंटिक फार्मूला नहीं है। जैसे पंडित, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। यहाँ पर जो ये फार्मूला बनाया गया है, सोना, चांदी, तोले, यस से सोना, सी से चांदी, टी से तोले। यस का मतलब यहाँ होगा साइन, यानी साइन का आपको फार्मूला निकालना हो, साइन का आपका रेशियो फाइंड करना हो, तो आप ऊपर से इसका वैल्यू बोलेंगे। आप ऊपर से याद करेंगे इसको, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये आप साइन का फार्मूला याद रख सकते हैं। सी, सी मीन्स कॉस हो जाएगा, आप सी से कॉस हो जाएगा। कॉस का अगर फार्मूला आपको याद रखना हो तो बेस बाई हाइपोटेनस। टेन का याद रखना हो परपेंडिकुलर बाई बेस। इस साइन कॉस टेन का रहा, साइन कॉस टेन आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। 3 का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर साइन का रेसिप्रोकल देखेंगे बच्चों, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक। तो कोसेक के लिए आपको इसको नीचे से पढ़ना होगा, इसको आपको नीचे वाला वैल्यू को पहले बोलना होगा। तो कोसेक का बन जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है सेक। सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। कॉट का फॉर्मूला बोलना हो, कॉट का रेशियो तो बेस बाई परपेंडिकुलर। ये जो 6 रेशियोज है, इसकी सहायता से आप लोग याद कर सकते हैं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। सो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज फॉर क्लास 10th इज एक्सरसाइज नंबर 8.1। यहाँ 8.1 का जो क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ दिया हुआ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हम लोग देखते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल B 90 डिग्री है, एंड एंगल ए को हम एक्यूट एंगल मान लेते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे एंगल ए को एक्यूट एंगल क्यों माना गया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एक्यूट एंगल हम इसको क्यों माने हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन ए, कॉस ए, पहले हम ए को एक्यूट एंगल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर फिर लिखा है साइन सी, कॉस सी, उसके बाद हम सी को एक्यूट एंगल लेंगे। तो ए को पहले हम लोग एक्यूट एंगल लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर इसको ए को एक्यूट एंगल लिया गया है, ए को एक्यूट एंगल लिया गया है यहाँ पर, तो ए के सामने वाले साइड, अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। स्टूडेंट, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री जो है इसके सामने वाले, इसके सामने वाले जो साइड होता है इसको इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। एंड जो एंगल होता है एक्यूट एंगल, इसके एडजेसेंट साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। बच्चों, तो हम लोग एक जनरली जानते हैं, इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग क्या निकालना है, ये आप क्वेश्चन में यहाँ देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है AB एंड BC, AB एंड BC इज गिवन। AB दिया हुआ है एंड BC दिया है, AC फाइंड आउट करना है। तो AC हम लोग फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट AC² इज इक्वल टू दिस, ओके, पुट दिस वैल्यू 625 स्क्वायर 25। ओके, ये जो हमारा रहा, ये जो हमारा AC का वैल्यू निकल गया, यानी हाइपोटेनस यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के बाद
हम लोग इसमें जो फाइंड आउट करना है वैल्यू साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, हम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन और कॉस फाइंड आउट करना है बच्चों। तो साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पी बाई एच। ओके, पी, यहाँ पी का परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर आपका है बच्चों 7। बाई हाइपोटेनस कितना है 25, 7/25। आप साइन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, नाउ इसमें एक और वैल्यू फाइंड करना है कॉस का, कॉस का भी फाइंड आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यदि हम एंगल चेंज करते हैं, एक्यूट एंगल चेंज करते हैं, तो हम लोगों का परपेंडिकुलर और बेस इमिडिएटली चेंज हो जाएगा। हम एक्यूट एंगल चेंज करेंगे, एंगल को जैसे ही चेंज करेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो यहाँ पर सी एंगल को हम सपोज करते हैं क्योंकि यहाँ सी दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट सी, नाउ वी टेक सी, सी को हम लेते हैं एंगल, फिर हम निकालते हैं साइन का फॉर्मूला से, साइन इज इक्वल टू साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच। ओके बच्चों, तो अगर इस एंगल को हम एक्यूट एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर 24 बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका रहेगा 25, 24/25। यू कैन सी हियर द आंसर इज गिवन इन दिस सॉल्यूशन, कॉस हियर गिवन एंड साइन सी ऑल्सो गिवन, साइन सी इज इक्वल टू 24/25। यू कैन फाइंड द सोल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आसानी तरीके से। ओके बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज हियर इन द गिवन फिगर, टेन पी माइन फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। यहाँ पे हम लोग को टेन पी एंड कॉट आर फाइंड आउट करना है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इन द फिगर दिस इज 90 डिग्री एंगल, हाइपोटेनस इज गिवन एंड फर्स्ट वी टेक एंगल आर इज एक्यूट एंगल। ओके, आप एंगल पी को भी पहले एक्यूट एंगल ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए टेन पी माइनस टेन आर, पहले आपको टेन पी को ले लीजिए या टेन आर या आर को लीजिए, किसी एक को पहले एक्यूट एंगल सपोज करिए, उसके बाद आप दूसरे को फिर सपोज कर सकते हैं। तो आइए हम पहले आर को अगर सब हम एज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है अपोजिट साइड, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। आर के लिए परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, तो बेस हमको निकालना पड़ेगा क्यू आर। क्यू आर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। यू कैन फाइंड आउट हियर, 13 स्क्वायर होता है 169 एंड 12 होता है 144। ओके, सो 169 माइनस 24 होगा तो आप 25 माइ हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 5। ओके, तो यहाँ हमारा जो फिलअप हो जाएगा 5, हमारा बेस यहाँ फाइंड आउट हो गया 5। ओके, सो स्टूडेंट हमें फाइंड आउट कर सकते हैं टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी यदि हम पी को लेते हैं तो मेरा सामने वाला पी के सामने ए परपेंडिकुलर होगा, तो फार्मूला होता है टेन का परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 5/12 माइनस कॉट आर। कॉट आर यदि आर को आप लेते हो एक्यूट एंगल तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो कॉट का फार्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर यानी 5/12। 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, यू विल गेट 0, आंसर विल बी 0। ओके बच्चों, तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ बनाया हुआ है, पहले क्यू आर फाइंड किया गया है, क्यू आर इज दिस, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड दिस कंडीशन, व्हाट कंडीशन इज गिव है, दिस कंडीशन है टेन पी माइनस कॉट आर, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आप तीनों क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इट मीन्स साइन ए, बच्चों यू नो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ओके बच्चों, परपेंडिकुलर मीन्स 3/4,
इज गिवेन। ओके बच्चों, इफ़ यू कंपेयर हियर देन यू कैन से परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4। ओके, बट ये रेशियो में है, तो रेशियो में जो भी क्वेश्चन रहता है मैथ्स में उसको हम लोग एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं या के में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो है ये फिगर जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल बी है और यहाँ पर एक्यूट एंगल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, हियर इज ए, इट मीन्स दिस एंगल विल बी एक्यूट एंगल। अगर ए को एक्यूट एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा हमारा ए, तो ये बेस बन जाएगा। और हाइपोटेनस तो हमेशा जो होता है 90 डिग्री के सामने वाले साइड को बोलते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग इसमें पुटअप करेंगे। यहाँ पे अभी जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 3। ओके बच्चों, एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4। ओके, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट बेस। ओके बच्चों, आपको बेस फाइंड आउट करना है, तो बेस निकालने का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 7। इट मीन्स बेस, यू कैन फाइंड बेस, बेस इज इक्वल टू रूट 7। आप बेस यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका बेस यहाँ फाइंड आउट करिएगा तो बेस यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बेस हमारा रूट 7 आ जाएगा। अब जैसे ही बेस आपका फाइंड आउट हो जाता है बच्चों, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कौन सा कंडीशन दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है आपको कॉस ए इंटू टेन है। वेरी सिंपल, कॉस ए इंटू टेन है आपको फाइंड करना है। देखो ए रूट 7 है, याद रखना आप लोग। ओके, 3/4 परपेंडिकुलर 3 है, 4 है, तो कॉस ए फाइंड करना है बच्चों। कॉस ए याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी सी, कॉस, कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। व्हाट इज द बेस बच्चों, रूट 7। ओके बच्चों, एंड हाइपोटेनस बच्चों 4। यू कैन फाइंड हेयर कॉस ए इज इक्वल टू दिस, आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, टेन ए भी आप फाइंड कर सकते हैं बच्चों, आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज हमारा 8.1 है, इसमें से हम लोग 3-4 क्वेश्चन डील कर लिए। आप लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, और आप लोग सॉल्व करिएगा तो जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर आई हैव प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन एंड आई विल सेंड सॉल्यूशन इन योर मैसेज बॉक्स, अदरवाइज इन योर व्हाट्सएप नंबर। ओके स्टूडेंट, सो टुडे आवर टॉपिक इज ओवर हियर, हम लोग के यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।